आइसक्रीम्स की तरह एक बड़ा चर्च सभी को पसंद आता है, एंड आई मीन सभी को। Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Coming on to our first exercise, it is the inclined chest press. It is seriously the best exercise जो आप अपने chest के लिए कर सकते हो, especially if you're using a smoothing machine. With the added support, you can really focus on squeezing, which is really important for muscle growth. 3 sets, 15 reps, all the way till failure. Just be sure कि आप हर एक set में या तो weight बढ़ा रहे हो या तो reps. This is called as progressive overload. एक्सरसाइज नंबर टू इज केबल बैक फ्लाइज। इसका सेटअप बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये हर जिम में रेडीली अवेलेबल होता है। इसे मैं बैठ कर करना पसंद करता हूँ टू गेट मोर स्टेबिलिटी, सो आई कैन रियली फोकस ऑन स्क्वीजिंग माई बैक्स रियली हार्ड, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ। 3 सेट ऑल द वे टिल फेलियर। रेप रेंज शुड बी अराउंड 12 to 15 रेप्स। डोंट गो लाइट, डोंट गो एक्स्ट्रा हार्ड, जस्ट फोकस ऑन द स्क्वीज एंड आपके मसल्स ग्रो करेंगे। एक्सरसाइज नंबर थ्री, इट्स अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट बिकॉज मैं ये एक्सरसाइज मेरी फिटनेस जर्नी के स्टार्ट से करता हूँ, आई रियली लाइक दिस, एंड मेरे चेस्ट और शोल्डर्स का मेजर ग्रोथ इसी एक्सरसाइज से हुआ। डिप्स या वेटर डिप्स, दिस इज नॉट जस्ट अ चेस्ट एक्सरसाइज, इसमें आपके शोल्डर्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स सब जलेंगे। इसके भी 3 सेट्स, 12 to 15 रेप्स। बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आप सेम एक्सरसाइज एक बेंच का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा, जस्ट बी श्योर कि आप इंजरी सेफ रहो और एक अच्छा रेंज ऑफ मोशन और टेम्पो फॉलो करो। और अगर इन सब के बाद भी आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा, देन मे बी आप वर्कआउट ही गलत कर रहे हो। सो बी श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट, जिसमें मैंने मसल गेनिंग के प्रिंसिपल्स बताया। दैट्स इट फॉर टुडे, बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स।